आज का हमारा जो टॉपिक है, हमने किसके बारे में पढ़ना है? डिप्थोंग के बारे में। डिप्थोंग हमारे पास क्या चीज है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू वॉवल साउंड इन सिंगल सिलेबल। मतलब हमारे पास दो वॉवल जो आएंगे, जैसे ए हमारे पास वॉवल है, ई है, आई है, ओ है और यू है। आपने क्या करना है, जो वॉवल आपके पास एक साथ में आएंगे उसको हम डिप्थोंग बोलते हैं ना। देखिए साउंड इसमें क्या होता है, ग्रेट होता है फ्रॉम वन वॉवल टू अनदर। इसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने इधर ये डिप्थोंग के लिए ये दूसरा बाबल नहीं आ रहा, साथ में बाबल नहीं आ रहा, आई के साथ आ रहा है नहीं आ रहा। तो इस सेंटेंस में हमारे पास डिप्थोंग नहीं है। आगे देखते हैं अली, R E L C A G D, इसमें कोई डिप्थोंग है? बेटा आप बताएं डिप्थोंग है? नहीं है, आप बताएं। उस सेंटेंस में कोई डिप्थोंग है? दो वॉवल ऊपर नीचे आपके पास साथ में आ रहे हैं। कौन से वाला है? देखिए आप E और A, ये लेकिन साथ में आ रहे हैं ना, ये हमारे पास डिप्थोंग है। देखिए एक की आवाज इधर आपको एक की साउंड नहीं आएगी। R E S E H T D, reached। reached में आपको एक की तो साउंड आ रही है, इसकी नहीं आ रही, तो ये ग्रेट हो गया साउंड, ठीक है। एक और तो दूसरे में R E S E H T D, reached। तो ये हमारे पास क्या है, डिप्थोंग है। आगे देखते हैं जा, G R O U N D, ग्राउंड। इसमें कोई डिप्थोंग है? नहीं है। बहुत गए हैं तो ये नहीं है। O U क्या है? O U, ओ यू है हमारे पास, शाबाश। देखिए ये ओ भी वॉवल है, यू भी एक साथ आ रहे हैं, तो ग्राउंड है, ठीक है। ये हमारे पास डिप्थोंग आ गया। आगे कोई देखिए, आज हिज फ्रेंड, इसमें कोई है? आई ई, आई ई आ रहा है। ये देखिए आई ई दोनों क्या है हमारे पास? वॉवल, दोनों वॉवल एक साथ आ रहे हैं, ये देखिए। ये मतलब फ्रेंड क्या है? एस यू डब्ल्यू पी ओ आर डी, है कोई डिप्थोंग? नहीं नहीं है। एचआईएम हिम में नहीं है, ठीक है। ई बार जेड ई ए, नर्वस, नर्वस में देखने को ये डिप्थोंग? ओ यू क्या है? ओ यू, ई यू का वे ई क्या के द्वारा आ रहा है? ओ यू, ओ यू, ये हमारे पास डिप्थोंग है, नर्वस, ठीक है। साउंड भी ग्रेट हो रहा है, पावर से दूसरे में हमारे पास ये डिप्थोंग है, ठीक है। समझ आ गई है सबको?